जय दोस्तों, स्वागत है जल पैसे बड़ी घर के साथ। एक बार फिर सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी ने आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिखा ही दी है राजनीतिक हैसियत। बताएंगे आपको कैसे एक के बाद एक ज्योतिरादित्य सिंधिया के 8 समर्थकों के टिकट काटे गए हैं दोस्तों, जिसके बाद ज्योतिरादित्य की सिंधिया के घर से लेकर उनके गाड़ी के सामने सिंधिया समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों, जिसके साथ में खुद सिंधिया के दिल से निकल गई एक ऐसी बात, जिससे बीजेपी में उनके हो रहे अपमान को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है दोस्तों। साथ साथ बीजेपी के नेताओं के बीच सभा में घुस गए लोग, लगाने लगे नारे, बीजेपी का अध्यक्ष चोर। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के विरोध के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राजस्थान के अंदर भी मोर्चा खोला है। सीपी जोशी को लेकर जोरदार तरीके से नारेबाजी की गई है। बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट दोस्तों। और कहां पर बीजेपी के दफ्तर में घुसकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके की तोड़फोड़ की है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का करियर मध्य प्रदेश के इस चुनाव के अंदर पूरी तरीके से समाप्त होने जा रहा है और मध्य प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन के लिए डंके की चोट पर वोट करने जा रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश को लेकर 5वीं लिस्ट जारी की गई दोस्तों। और इस लिस्ट के जारी होते ही सिंधिया समर्थकों के 8 टिकट काटे गए, और 8ों के 8 टिकट कटने के बाद अब सिंधिया के समर्थकों ने जोरदार मोर्चा संभाला है। ग्वालियर पूर्व की मंत्री माया सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर अब सिंधिया के भरोसे कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने वाले मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने जोरदार विरोध किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस के सामने, यानी उनके महल के सामने जाकर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ता दिखाई दिए, और जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने घर से बाहर निकले, वैसे ही सिंधिया समर्थक उनके गाड़ी के सामने आकर खड़े हो गए और जोरदार विरोध करने लगे दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर पूर्व क्षेत्र से पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल को टिकट नहीं दिया है, जो प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। 2018 के अंदर कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले मुन्ना लाल गोयल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई और दोबारा से 2020 में उपचुनाव हुए, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सतीश सिकरवार ने बीजेपी के नेता गोयल को चुनाव में शिकस्त दी। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने के बावजूद जनता ने यहां पर कांग्रेस पार्टी छोड़कर जाने वाले गोयल को सबक सिखाया, और अब भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर पार्टी बदलने वाले गोयल को ऐसा सबक सिखाया है कि अब वह राजनीति में कभी भी किसी पार्टी को धोखा देने से पहले 10 बार सोचेंगे। और यही बड़ा कारण है दोस्तों कि पूर्व मंत्री को टिकट दे दिया गया है और कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में आए मुन्ना लाल गोयल का टिकट काट दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे बीजेपी में गए थे। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों, लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने न्याय दो के नारे भी लगाए गए हैं। साथ साथ दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनकी हकीकत बता दी गई है। यही बड़ा कारण है कि सिंधिया समर्थक 8 नेताओं के टिकट काटे गए हैं, जिसके बाद अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक फिलोसोफर बनते हुए या फिर अपने अंदर की भावना को जाहिर करते हुए शब्दों का चयन कर रहे हैं। उन्होंने बयान देते हुए मीडिया में बोला कि वो दिखते तो जवान है लेकिन वो अंदर से बूढ़े हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा भी अब बूढ़ी हो गई है, अब वो जवान नहीं रही। इसके बाद सिंधिया कहते हैं कि मुझे नया सिस्टम पसंद नहीं आता, पुराना सिस्टम ही अच्छा था, जहां पर अच्छाई थी और नैतिकता थी। यानी दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के कई सारे मतलब निकल रहे हैं। सबसे पहला मतलब तो यही निकल रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आकर धोखा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ धोखा हुआ है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। क्योंकि ये बयान जब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पर चर्चाएं भी बन रही है, और इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि उनके 8 समर्थकों के टिकट काटे गए हैं, वो भी उनके अपने क्षेत्र ग्वालियर चंबल क्षेत्र के अंदर। और ज्योतिरादित्य सिंधिया आज की स्थिति में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी में 2 ही लोगों की चलती है। आप लोग जानते हैं कौन से ये 2 लोग हैं, और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा विरोध करने की चीजें करेंगे तो ईडी सीबीआई के साथ साथ हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए टिकट भी काट दिया जाए। वैसे भी बीजेपी ने 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने घर से ही हरा दिया था, शायद इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लग रहा है कि वो बीजेपी से टक्कर नहीं ले पाएंगे और इसीलिए वो बीजेपी में चले गए। लेकिन अब उनका प्रभाव पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है, अपने समर्थकों को टिकट तक नहीं दिलवा पा रहे और अभी इस तरीके की बयान दे रहे हैं, फिलोसफी वाली बातें कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, बीजेपी ने जैसे ही 5वीं सूची जारी की है, उसके बाद भाजपा का बवाल 5 गुना बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक बैठक ले रहे थे, इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता बैठक में पहुंच गए और डेस्क के सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे। गली गली में शोर है, वीडी शर्मा चोर है, यानी वीडी शर्मा बीजेपी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके सामने उनको ही चोर कहा जा रहा है। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा, जनमत चुराया नहीं लूटा था भाजपा ने, तो भाजपा वालों चोर नहीं डकैत बोलो अपने शीर्ष नेतृत्व को। कुल मिलाकर सुरेंद्र राजपूत की ओर से भी लगे हाथ इस पूरे मामले पर निशाना साधा गया है दोस्तों। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान के अंदर सीपी जोशी, जिनके खिलाफ एक और विरोध की तस्वीरें सामने आ रही है। बीजेपी के बड़े संख्या में नेताओं ने सीपी जोशी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और राजस्थान के अंदर जबरदस्त तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर बैनर पोस्टर भी फाड़े गए हैं, आग में जलाकर पुतले
भी फूके गए हैं। बीजेपी के नेताओं पर पैसा लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया गया है। साथ साथ दोस्तों प्रियंका गांधी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं के आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी पर सिकराए दौसा सभा में धार्मिक भावनाओं के आधार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुर्भावना से झूठ फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने शनिवार को बीजेपी नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने परिवाद पेश करते हुए प्रियंका गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने परिवाद में चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा सिकराई की सभा में देवनारायण जी के मंदिर में 21 रुपए चढ़ाने का झूठ फैलाया गया, जबकि प्रधानमंत्री ने आस्था के अनुसार अपनी जेब से नकदी राशि मंदिर के दान पत्र में डाली थी। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह कृत्य आचार संहिता के निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के आचार संहिता उल्लंघन के मामले कांग्रेस पार्टी पकड़ने लगे तो बीजेपी के ज्यादातर नेता कानून के हिसाब से चुनाव में प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई बार बीजेपी के नेताओं को चुनाव प्रचार के कानूनों का उल्लंघन करने के बावजूद छोड़ रखा है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लोग प्रियंका गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए हैं। देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ दोस्तों राजस्थान के राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी को बीजेपी ने प्रत्याशी बना दिया और इसका जश्न मनाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की है। यानी तंज भरे लहजे में ये बातें कही जा रही है कि बीजेपी के लोग खुशी मनाने के लिए अपने दफ्तर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये खुशी नहीं मना रहे बल्कि अपनी बर्बादी का गम मनाते हुए बीजेपी के दफ्तर में ही जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीजेपी ने फिर से दीप्ति महेश्वरी को चुनावी मैदान में उतारा है। साथ साथ सट्टा बाजार को लेकर दावा किया गया है कि हरियाणा के अंदर 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक खूबसूरती के साथ जीत की तरफ बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों कांग्रेस पार्टी हरियाणा में बैक कर रही है, वो भी ब्रूट मेजोरिटी के साथ, यानी एक तरफा मेजोरिटी के साथ। कांग्रेस पार्टी को 51 सीटें, बीजेपी को 28 सीटें और अन्य को 11 सीटें मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के इंटरनल सर्वे के मुताबिक भी हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 3 सीटों पर जीत मिल रही है। यानी पिछली बार कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव के अंदर भी जीत मिलेगी। साथ साथ दोस्तों पिछले दरवाजे से भागे बीजेपी के वरिष्ठ नेता टिकट घोषणा के बाद बीजेपी में भूचाल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी होने के बाद जबलपुर के संभागीय कार्यालय में जमकर बवाल मचा। इस दौरान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री हितानंद के साथ कार्यकर्ताओं का आक्रोश से बचने के लिए पिछले दरवाजे से निकलकर भागे। कुल मिलाकर दोस्तों इन नेताओं ने अपनी जान बचाई है। जिस तरीके से पूरा एग्रेशन बीजेपी के नेताओं का देखने को मिला था, स्पष्ट तौर पर इन नेताओं के साथ भी कहीं ना कहीं हाथापाई करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकले हैं, वो भी पिछले दरवाजे से। साथ साथ दोस्तों दशहरा के बाद अब राजस्थान मध्य प्रदेश के अंदर सभाओं का एक पूरा दौर शुरू होने वाला है। 31 अक्टूबर को तेलंगाना के दौरे पर प्रियंका गांधी रहेंगी, उनके साथ राहुल गांधी भी इन क्षेत्र के अंदर प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में हर घंटे विरोध बढ़ता जा रहा है। भोपाल के बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा देने की जानकारी दी है। वैसे समाज ने बीजेपी को पत्र लिखकर अल्टीमेटम दिया है कि अगर प्रत्याशी नहीं बदला गया तो शिवराज सिंह चौहान जी और बीजेपी के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल दोस्तों कई सारे इस्तीफे सामने आए हैं। वैसे महासम्मेलन मध्य प्रदेश की ओर से उमा शंकर गुप्ता, जगदीश मित्तल और चंद्र कुमार जैन की ओर से इस्तीफा दिया गया है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल के अंदर भी दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भी दिनेश भारती ने अपना इस्तीफा दिया है। साथ साथ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के गोविंद टैगोर ने भी अपना इस्तीफा देकर अपना विरोध जाहिर किया है। साथ साथ बीजेपी आईटी सेल के लोगों का दावा है कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का मतलब होता है पाकिस्तान को सपोर्ट करना, आतंकवादियों को सपोर्ट करना। हालांकि भारत सरकार स्पष्ट तौर पर फिलिस्तीन के स्वायत्तता के अधिकार को सपोर्ट करती है, फिलिस्तीन के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करती है, और यही बड़ा कारण दोस्तों कि भारत सरकार की ओर से इंडिया के लोगों की तरफ से फिलिस्तीन और गाजा के लोगों को मदद पहुंचाई गई है। भारत सरकार की ओर से मदद के नाम पर कई सारी चीजें भेजी गई है, खासकर वो चीजें भेजी गई है जिससे आपदा के समय लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। भारत ने लगभग 38 टन के आसपास रिलीफ मटेरियल भेजा है फिलिस्तीन। लेकिन बीजेपी के लोग जो कह रहे थे कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करने का मतलब पाकिस्तान को सपोर्ट करना और आतंकवाद को सपोर्ट करना, शायद उन लोगों के लिए ये दुख दर्द वाली खबर है। क्योंकि जब उन्हें लगता है कि फिलिस्तीन को सपोर्ट करना आतंकवाद या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट करने जैसा है, तो जब उनकी सरकार ऐसा कर रही है तो उनको कम से कम उस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों बीजेपी के नेता हैं जिन्हें शायद कम ज्ञान है देश के, दुनिया के बारे में, खासकर भारत के विदेश नीतियों के बारे में, जो इस तरीके की बेतुकी टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। साथ साथ इसराइल के ऑफिशियल अकाउंट यारी कोहेन को भी बीजेपी के लोग मिसलीड कर रहे हैं, यानी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दावा किया एक केरल का वीडियो शेयर करते हुए कि हमास
पास आतंकवाद के सपोर्ट में इटली का झंडा लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जब पूरे मामले की जांच की है तो पता चला कि केरल के अंदर एक लोकल पार्टी ने इसराइल और फिलिस्तीन मामले पर लोगों की जा रही जान को लेकर विरोध जाहिर किया है और इसके लिए जिन झंडों का इस्तेमाल किया गया है वो लोकल पार्टी का झंडा है, किसी इटली की पार्टी का झंडा नहीं है, इटली के देश का झंडा नहीं है, जिसे बताकर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा तेलंगाना के अंदर तमाम सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 10 के ऊपर नहीं पहुंच रहा, बमुश्किल बीजेपी 7 से 8 के आंकड़े तक पहुंच पा रही है और शायद यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का जवाब तेलंगाना में कुछ दिशा नहीं दिखाई दे रही है, तो वो अपने पुराने एजेंडे यानी हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करना चाहती है। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के गोसा महल से विधायक रहे टी राजा सिंह, जो पिछले साल सस्पेंड किए गए थे पैगंबर साहब को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले पर, उसे फिर से बीजेपी ने अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा लिया है, यानी दोस्तों निलंबन वापस लिया गया है। आप लोग इस पर जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ धौलपुर में 2 बार की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही नेताओं का पार्टी बदलने का दौर जारी है और बीजेपी में फूट का दौर जारी है। धौलपुर जिले के धौलपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के 2 बार की विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। 2 बार की बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा अब की बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय